काशी ज्ञानवापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते बुधवार को ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने 7 दिन के भीतर वहाँ पूजा कराने की व्यवस्था कराने का फैसला भी सुना दिया था। बता दें कि 1993 से व्यास जी तहखाना बंद पड़ा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद से ही पूजा पाठ करने के लिए उसे खोल दिया गया है, जिसके बाद से ही श्रद्धालु लगातार व्यास जी तहखाने में पूजा करने पहुंच रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस दौरान दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का क्या कहना है। हर हर महादेव। मेरा नाम अंजनी मिश्रा है। ज्ञानवापी जो निर्णय आया है ये बहुत ही सुखद है। इससे पूरा मंदिर परिवार और पूरा सनातन धर्म बहुत खुश है। और जो तहखाने में दर्शन हो रहा है वो उसमें आम भक्त जो आ रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। इसमें 5 समय आरतियां हो रही है। 1 सुबह 3 बजे मंगला आरती हो रही है, 11 बजे भोग आरती हो रही है, शाम को अपहरण आरती हो रही है, 1 शाम को आरती हो रही है और 1 रात में शयन आरती हो रही है। इससे बारिश वरिश का जो माहौल इस समय आप देख रहे हैं बाहर, लेकिन इसमें भक्ति में कोई भी बाधा नहीं है। भक्त एकदम आराम से सुगमता से दर्शन कर रहे हैं और नंदी भगवान की प्रतीक्षा हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी समाप्त हो, क्योंकि हमारे देश का संविधान इतना बड़ा है कि सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष को बिना संतुष्ट किए हुए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो भगवान विश्वनाथ से यही कामना है कि अपने भक्तों को सुगमता से दर्शन कराते रहें और सभी पे अपना कृपा बनाए रहें। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। दर्शन करने के लिए मंदिर से निकलते तो लाइन से बगल से होते हुए बाहर से देखते हुए चले जा रहे हैं। अंदर पुजारी बैठे हुए पूजा करने के लिए वो पूजा कर रहे हैं। अंदर अभी आम पब्लिक के लिए जाने का वो अलाउ नहीं है। पुजारी अंदर से पूजा करते हैं, बाहर से आप दर्शन करते हुए निकल सकते हैं। तो बाहर से ही दर्शन हो रहा है? हाँ, अभी बाहर से ही दर्शन हो रहा है। ये बारिश हो रही तो इसका असर पड़ा? नहीं नहीं, बारिश हो रहा है फिर भी लोग आ रहे हैं। श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है, बारिश कितना हो। दर्शन लोग बाहर से कर रहे हैं, अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है क्योंकि कोर्ट का फैसला अभी रोका गया है पूरी तरह से, क्योंकि हर पब्लिक चाहती है जितने भी सनातन धर्म वाले हैं कि अंदर जाके हम लोग एंट्री करें, दर्शन करें अच्छे से। लेकिन बात यह है कि अभी इस मामले पे पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुआ है। लोग बाहर से ही देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बस अंदर वही पंडित जा रहे हैं जो मेन मुख्य पंडित जी हैं, जो आरती का समय है मेन, जो जहाँ जहाँ उनका स्थापना हुआ बस वही पूजा हो रहा है। सबको अलाउ नहीं है अंदर, दूर से लोग बाहर दर्शन कर रहे हैं और वहाँ फोर्स लगी हुई है पूरी बाकायदा। अभी 15 दिन कोर्ट ने इस पे रोका हुआ है कि अंदर अलाउ नहीं है अभी किसी को भी बाहर से दर्शन करे। बस मेन जो पंडित जी है बस वही जा रहे हैं। जब आरती का टाइम हो रहा है, जो 4 टाइम होता है, सुबह का 3 बजे होता है, फिर 7 बजे होता है, फिर 10 बजे होता है, फिर रात में होता है, बस उस टाइम जा रहे हैं, बाकी टाइम नहीं जा पा रहे हैं। बारिश का असर पड़ा है? भीड़ कम है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोग देखने के लिए उमड़े हुए हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है काफी, लेकिन फोर्स भी लगी हुई है क्योंकि किसी तरह से कोई बात ना हो, कोई गलती ना हो, क्योंकि सब कोई चाह रहा है कि इतनी बड़ी आस्था जो बाबा विश्वनाथ की है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, सब कोई चाहता है कि एक बार दर्शन कर लें अच्छे से। जो हम लोग का सनातन धर्म शुरू से चलते आ रहे, कितने लोग इसके लिए मरे कटे और अपने धर्म को बचाने के लिए, आज वो मौका आया है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे धर्म के लिए कि सबको मौका मिल रहा है दर्शन करने के लिए। वो वही बड़ी बात है, भले अंदर से नहीं मिल पा रहा है क्या हुआ, बाहर से ही लोग देख रहे हैं अच्छे से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।